हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 14th नंबर का, ठीक है ना। और जो हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको पता है कि हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग के, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो है 13th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिस टेस्ट के आपको दो पार्ट मिलने वाले हैं, एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको दो पार्ट में मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने अभी तक हम लोग जो है 13th प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग के, जिसमें हम लोगों ने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन जो है लिया है और हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में समझा है, ठीक है। पहले जो है केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलने वाला आपको, आपको उस टॉपिक का भी डिटेल मिलेगा, बेसिक मिलेगा। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया गया उसका हम लोगों ने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्कस किया। तो अगर अभी तक आपने उन सारे प्रैक्टिस टेस्ट को नहीं सॉल्व किया तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलें कि भाई क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन के माध्यम से आपका टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि यदि भाई उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाए, क्योंकि समय कम है और कम समय में तैयारी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे से की जा सकती है, कि भी क्वेश्चन का कलेक्शन भी आपका होता जाएगा और टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में दोनों पार्ट को मिला करके आपको 26 या 28 क्वेश्चन मिलते हैं। अब आपने अभी तक जो है 13th प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहां से कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अभी तक कितने हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो चलिए, आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी जो है हम रीजनिंग के जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज की क्लास को। और आज की क्लास का देखिए 14th प्रैक्टिस टेस्ट का ये आपका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13 प्रैक्टिस टेस्ट का ये आपका 14th प्रैक्टिस टेस्ट का, 13 तक तो कंप्लीट हो चुका है, 14th प्रैक्टिस टेस्ट का ये आपका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दे आर फूल्स मींस प्लेन इज रिस्की, बी आर वाइज मीन्स ट्रेन इज फास्ट, एंड वाइज नेवर फूल मीन्स फास्ट ऑलवेज रिस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर ट्रेन। एक निश्चित कोड भाषा में दे आर फूल्स का अर्थ है प्लेन इज रिस्की, बी आर वाइज का अर्थ है ट्रेन इज फास्ट, और वाइज नेवर फूल्स का अर्थ है फास्ट ऑलवेज रिस्की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन के लिए कोड होगा, दे होगा, बी होगा, नेवर होगा कि फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से। तो बात आती है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अल्फाबेट की, ए टू जेड की। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कई आपके जो है टाइप होते हैं, और ये जो है आपका जो है पूछा गया है कि अल्फाबेट को वर्ड इन कोडेड एज इन वर्ड सिंबल्स एंड अल्फाबेट, जो शब्दों की कोडिंग है वो जो है शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो है क्या कि यहां पर आपको अल्फाबेट के कोड की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे सबसे पहले इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, सबसे पहले देखो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि दे आर फूल्स, ठीक है ना। सबसे पहले लिखा है इसमें इसको दे आर फूल्स, दे आर फूल्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि
प्लेन इज रिस्की, प्लेन इज रिस्की। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। जरा सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है। फिर दिया है कि वी आर वाइज, ठीक है ना। सेकंड है आपका वी आर वाइज का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ट्रेन इज फास्ट, ट्रेन इज फास्ट। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तीसरा है आपका वाइज नेवर फूल्स, वाइज नेवर फूल्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आपको दिया गया है फास्ट ऑलवेज रिस्की। ये है आपका तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। अब एक बात जरा समझिए, देखिए यहां पर आपको इधर जो है इन ये वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड का जो है कोड दिया गया है। तीन वर्ड हैं तो तीन आपके कोड हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चनों में रैंक के आधार पर कोड आपका निर्धारित नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, देखो दे आर फूल्स का मीन्स है प्लेन इज रिस्की, तो अब यहां पे प्लेन का कोड दे नहीं होगा, इसका कोड आर नहीं होगा, रिस्की का कोड फूल्स नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड देखो तीन वर्ड हैं, तीन कोड हैं, लेकिन रैंक के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता। जैसे यहां पर देखो दिया गया ट्रेन इज फास्ट, तो हम नहीं कह सकते कि ट्रेन का कोड वी होगा, कि इज का कोड आर होगा, कि फास्ट का कोड वाइस होगा। तो फिर अब इसको करेंगे कैसे? तो हम करेंगे कंपैरिजन के आधार पे, तुलना के आधार पे। जो जो जिस वर्ड का हमें कोड पूछा गया है, ठीक है, हमसे किससे पूछा गया? ट्रेन का, कि ट्रेन का कोड क्या होगा। तो ट्रेन या तो कि दो इक्वेशन में कहीं ना कहीं कॉमन हो, जैसे ट्रेन आपका कहां पर आया, देखो ट्रेन आपका कहां पर है, सेकंड में है। क्या ट्रेन फर्स्ट और थर्ड में कहीं आया है क्या? इन वर्डों देखिए, यहां प्लेन इज रिस्की है, यहां ट्रेन इज फास्ट है, फास्ट ऑलवेज रिस्की नहीं, ट्रेन केवल सेकंड इक्वेशन में आया है। अब ट्रेन जब सेकंड इक्वेशन में आया है तो आपको दो चीज याद रखना है, जिस शब्द का आपसे कोड पूछा जाए या तो वो दो जगह कॉमन हो जाए ताकि कंपेरिजन हम करें तो आसानी से उसका कोड मिल जाए, और अगर नहीं कॉमन है तो जिस लाइन में वो है, जिस इक्वेशन में है, जिसके साथ है, वहां पर वो सिंगल बच जाए, बाकी जो उसके साथ में जो है उनका कोड निर्धारित हो जाए। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेता हूं, अब मुझे ट्रेन का चाहिए, अगर मुझे इज और फास्ट का कोड मिल जाए तो ट्रेन अगर यहां पे सिंगल बच जाए तो मेरा काम बन सकता है। आपने कहा कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, अगर आप फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर भी इज आया है और सेकंड में भी इज आया है। अब देखो दोनों में कोड कोई ना कोई कॉमन होगा, आपने कहा यहां भी आर है, यहां भी आर है, कोई और कॉमन है क्या? यहां दे आर फूल्स है, यहां बी आर वाइज, आर कॉमन है, ए आर ई। तो देखो इज का कोड क्या हो गया, इज का कोड क्लियर हो गया कि ए आर ई होगा, क्या होगा, ए आर ई होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, इज का कोड क्लियर हो गया कि ए आर ई होगा। अगर हमसे इज का कोड पूछा जाता तो हम आंसर देते ए आर ई, लेकिन हमसे पूछा गया है ट्रेन का। अब जरा देखो, क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ और कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है? आपने कहा नहीं, और कुछ यहां पर कॉमन नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं सेकंड और थर्ड, इन दोनों का जरा कंपैरिजन करते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है। आपने कहा कि इसमें भी देखिए फास्ट आया है और सेकंड में भी फास्ट आया है, दोनों में फास्ट कॉमन है।
अगर हम कोड की बात करें तो देखो यहां पर भी वाइज है और यहां पर भी वाइज है, तो फास्ट का कोड क्या हो गया, तो फास्ट का कोड हो जाएगा वाइज, फास्ट का कोड हो जाएगा वाइज। अब देखो हमसे पूछा गया है ट्रेन का कोड, हमसे पूछा गया है ट्रेन का कोड। अब देखो ट्रेन यहां पर सिंगल बचा और यहां पर कोड क्या सिंगल बचा, वी, तो ट्रेन का कोड क्या हो जाएगा आपका, वी डब्ल्यू ई, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज जरा सोचिए, अगर मुझसे कहा जाता, अगर मुझसे कहा जाता कि प्लेन का कोड बताइए, अगर मुझसे कहा जाता कि प्लेन का कोड क्या होगा, ठीक है ना, या जो है रिस्की का कोड क्या होगा, ठीक है ना। अब अगर हाँ देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी फर्स्ट और थर्ड में एक चीज कॉमन है, तो यहां से हम प्लेन का कोड भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर हम फर्स्ट और थर्ड ले लें, मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया, अगर फर्स्ट और थर्ड ले लें तो यहां पर देखो रिस्की आपका फर्स्ट में भी है, रिस्की आपका थर्ड में भी है, दो तीनों दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन है तो यहां पे कोड देखो क्या कॉमन है, फूल्स, फूल्स आपका थर्ड में भी है, फूल्स आपका फर्स्ट में भी है, तो रिस्की का कोड क्या हो जाएगा, रिस्की का कोड क्या हो जाएगा, रिस्की का कोड हो जाएगा फूल्स, किसका हो जाएगा, फूल्स। तो देखो अगर प्लेन का पूछा जाता तो प्लेन का क्या निकल के आता, देखो जरा अगर प्लेन का पूछा जाएगा तो प्लेन का कोड क्या निकल के आएगा, आपने कहा प्लेन का कोड दे निकल के आएगा, और यहां पर देखो ऑलवेज का क्या निकल के आएगा, नेवर निकल के आएगा, ठीक है ना, ऑलवेज का कोड क्या निकलेगा, नेवर निकलेगा। तो हर एक शब्द का कोड क्लियर हो गया। अगर कोई भी दो शब्द एक लाइन में बच जाते, जैसे सपोज करो अगर रिस्की कॉमन ना होता, अगर रिस्की कॉमन ना होता, मैं एक सपोज करने की बात कर रहा हूं, अभी तो कॉमन है, अगर ना होता तो फिर वहां पर आप प्लेन का या अगर किसी भी लाइन में दो वर्ड बचते हैं तो मैंने कहा ना रैंक के आधार पे कोड निर्धारित नहीं करना है, फिर उन दोनों का कोड निर्धारित नहीं हो पाता। लेकिन अभी तो सबका कोड निर्धारित हो गया, चूंकि रिस्की यहां पे कॉमन था तो प्लेन के लिए क्या बच गया, दे, और ऑलवेज के लिए क्या बच गया, नेवर, ठीक है ना। तो यहां पे आपका आपसे ट्रेन के लिए पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू ई। एग्जाम में आपसे कोई एक ही पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना, कि भाई या तो वो दो जगह कॉमन हो अर्थात कि दो इक्वेशन में वो आया हो, या फिर वो जिस लाइन में है उस लाइन में वो सिंगल बच जाए, तो उसका कोड आप आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। बहुत आसान होता है कोडिंग डिकोडिंग में जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, कैसे जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज साइंटिस्ट इज कोडेड एज आर डी एच एफ एम यू एच टी एस, व्हाट विल बी द कोड फॉर यूनिक इन द सेम कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में साइंटिस्ट को आर डी एच एफ एम यू एच टी एस लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यूनिक के लिए क्या कोड होगा। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अब देखो ये जो आपका जो है क्वेश्चन है वो आपका लिया गया है अल्फाबेट कोडेड एज इन अल्फाबेट, अक्षरों कोडिंग अक्षरों के रूप में। तो यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले साइंटिस्ट को जो ये लिखा गया है, साइंटिस्ट को इसमें डिकोड कर दिया गया, तो यहां से आप निकालेंगे मेथड, और जो मेथड निकलेगा सेम वही मेथड आप यूनिक में अप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पर बात हो रही है अल्फाबेट की, और जब बात अल्फाबेट की हो रही तो बात होगी ए टू जेड की, अब बात होगी जो है 1 to 26 की, ठीक है ना। अब बात होगी किसकी, 1 to 26 की। देखिए अब आपको बात करनी है ए टू जेड की, अब बात करनी है आपको 1 to 26 की। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा जो है आपको किससे सॉल्व करना है, हमेशा उसके कोड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोड क्या है, जो उसकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, ठीक है ना, F6, G7 और Z कितना आ जाता है आपका 26। एक बार मैं सारे आपको अल्फाबेट के कोड जो है जो एक बार डिस्कस करा देता हूँ, एक बार उसको रिवीजन करा देता हूँ, हर क्लास में मैंने कराया आपको, ताकि आपको अल्फाबेट के कोड याद हो जाए।
अगर अल्फाबेट के कोड आपको याद रहेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही आंसर दे दोगे, देखते ही, क्योंकि हमें अल्फाबेट के कोड के आधार पे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्योंकि भाई देखो, आप अल्फाबेट एक बार आपसे मिस हो सकता है, लेकिन नंबर आपसे मिस नहीं हो सकता। अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो काउंटिंग आपसे मिस नहीं हो सकती। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आएगा अल्फाबेट में, ए। अब अल्फाबेट तो सबको आते हैं भाई, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। आपको मैं अल्फाबेट नहीं याद करा रहा, इसके कोड याद करने हैं आपको, ठीक है ना। सिक्वेंस में भी आपको याद रहने चाहिए, और सिक्वेंस में तो आप काउंट भी कर लेंगे, लेकिन आपको रैंडम याद रखने हैं। जैसे एस 19 यू 21 क्यू 17 एम 13 एन 14 जे 10 के 11, ठीक है ना। आपको तो आप, कोई कहता है आर तो आपने कहा 18, कोई कहता है एम तो आपने कहा 13, किसी ने कहा एच तो आपने कहा 8। अब ये जो कोड है वो कहां से हम काउंट करते हैं, वन ए से, ठीक है ना। कहां से काउंट करते हैं, ए से। तो ये कोड आपको रैंडम भी याद रखने हैं। देखो, ए का 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी है आपका 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड हो जाएगा आपका 26। क्लियर है? तो ये सारे प्लेस वैल्यू हैं अल्फाबेट की। अब देखिए, प्लेस वैल्यू के माध्यम से कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको लिखने का तरीका समझते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, मेथड कैसे आपको निकालना है। तो साइंटिस्ट को क्या लिखा गया है, देखो, एस सी आई एस सी आई ई एन ई एन टी आई एस टी टी आई एस टी। अब हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिख दीजिए। क्या लिखा गया, इसको आर, इसको डी, इसको एच, फिर आपका एफ, फिर आपका एम, फिर आपका यू एच, फिर टी और फिर है एस। अब जरा इनके कोड लिख लीजिए। देखिए, एस का कोड 19, सी का 3, आई 9, ई 5, एन 14, टी 20, आई 9, एस 19 और टी 20, ठीक है। यहां पर देखो, आर है आपका 18, डी है 4, एच है 8, एफ है 6 और एम है 13, यू 21, एच है आपका 8, टी है 20 और एस है 19। तो अब यहां पर जो है, जब हम मेथड निकालते हैं तो सबसे पहले हम जो यहां पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो क्या है आपका, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। अब यहां पर जो मेथड निकलना चाहिए उसका भी एक पैटर्न होना चाहिए, एक जो है वो क्रम में चलना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर जो हो गया सीधे माइनस का 13, फिर हो गया आपका माइनस का 21, फिर हो गया प्लस का 10। ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस बनना चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, फिर आगे क्या आएगा, 3 है। हो सकता है सब में प्लस का 1 प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 माइनस, मतलब एक कॉन्सेप्ट चलेगा, एक जो है वहां पे पैटर्न चलेगा। अगर फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, यहां से पैटर्न नहीं आपका निकल रहा, तो फिर आप देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से और लास्ट का रिलेशन फर्स्ट से, ठीक है ना। तीसरे में क्या होता है कि आप ग्रुप बना के देखते हैं कि भाई जितने लेटर उनका आपस में ग्रुप बना दिया, और ग्रुपिंग में फिर देखा कि भाई चार चार लेटर का आपस में एक ग्रुप बन गया, और वहां से हमने क्रॉस में देख लिया कि किसका कहां से रिलेशन। अब जैसे यहां पर हमने कोड लिख लिया, और जैसे हमने कोड लिखा, सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। जैसे यहां पर देखो भाई, हम कैसे पहचानेंगे ग्रुप बन रहा है कि वहां पर फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से निकलेगा। तो आप जैसे ही नंबर लिखेंगे, जैसे यहां पे 19 लिखा है, अब 19 के नजदीक में कौन सा ज्यादा है, तो आपने कहा 19 के नजदीक में तो 19 ज्यादा है, 19 भी है, स्वयं यहां 19 लिखा है। अगर हम फर्स्ट देखें तो यहां 18 है।
अगर हम फर्स्ट से इसको लेकर चलते हैं देखो, तो आपने कहा ये तो माइनस का वन है, यहां देखो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 9 - 1 = 8, 5 + 1 आपका 6। अब देखो एक बार पैटर्न बन गया, क्या बना, तो आपने कहा माइनस का वन प्लस का वन, यहां पे होना चाहिए माइनस का वन, यहां पे होना चाहिए प्लस का वन, यहां पे होना चाहिए माइनस का वन, यहां पे देखो प्लस का वन, यहां पे आपका माइनस का वन। तो एक बार जो पैटर्न बन जाएगा फिर आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे आपसे पूछा गया यूनिक, ठीक है ना, U N I Q U E, तो आपने कहा कि भाई U का कोड कितना होता है 21, N होता है 14, I 9, Q 17, U 21, E होता है आपका 6, ठीक है ना। E कितना होता है 5। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, माइनस के वन से, 21 माइनस का वन 20, तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे प्लस का वन 14 + 1 = 15, तो क्या आएगा O आएगा, माइनस का वन कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का वन तो 17 + 1 = 18, तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे आपका माइनस का वन तो यहाँ पे फिर से T आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का वन तो यहाँ पे आपका F आ जाएगा, क्योंकि 5 + 1 आपका 6 होता है और 6 होता है आपका F का कोड। तो आंसर हो जाएगा TOHRTF। देखिए किस किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है TOHRTF होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे पहला नहीं, यहाँ पे चौथा शायद ऑप्शन सही होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे पहले में E दिया है, लास्ट में क्या दिया है E, ठीक है ना। तो आंसर भी बहुत जो है ध्यान से आपको लगाना है, जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं करना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नगीना इज टॉलर देन पुष्पा बट नॉट एज टॉल एज मनीष, रामा इज टॉलर देन नमिता बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा, हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। नगीना पुष्पा से लंबी है लेकिन मनीष जितनी लंबी नहीं है, रमा नमिता से लंबी है लेकिन पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, मनीष है, पुष्पा है, नमिता है कि नगीना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है रैंकिंग टेस्ट से। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा कर दीजिए, जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, जो छोटा उसको नीचे रखिए। जैसे कह रहा है कि नगीना इज टॉलर देन पुष्पा, ठीक है ना, नगीना पुष्पा से लंबी है, तो आपने कहा कि यहां पे हमने नगीना को बैठाया, नगीना इज टॉलर देन पुष्पा, ठीक है ना, टॉलर देन पुष्पा, ठीक है ना, बट नॉट एज टॉल एज मनीष, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना मनीष है, तो मनीष कहीं ना कहीं नगीना से भी लंबा होगा, ठीक है ना, मनीष कहीं ना कहीं नगीना से भी लंबा हुआ। भाई नगीना पुष्पा से तो लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना मनीष है, तो मनीष कहीं ना कहीं नगीना से भी ज्यादा लंबा होगा। अब देखो अगली लाइन क्या कह रही है, रमा इज टॉलर देन नमिता, इसको जरा अलग से बना लेते हैं, रमा इज टॉलर देन नमिता बट नॉट एज टॉल एज पुष्पा, ठीक है ना, रमा जो है नमिता से तो लंबी है, रमा जो है वह नमिता से तो लंबी है लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी पुष्पा है, अर्थात वो पुष्पा से क्या है, छोटी है। अब अगर इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो देखो सबसे लंबा कौन हो जाएगा मनीष, मनीष से छोटा कौन है, नगीना से छोटा कौन है, पुष्पा, ठीक है ना, पुष्पा से छोटा कौन है, रामा, और सबसे छोटा कौन है, नमिता, क्योंकि नमिता जो है वह रामा से भी छोटी है। तो देखो सबसे बड़ा कौन है मनीष, सबसे छोटा कौन है नमिता, तो यहां पूछ रहा है कि हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका मनीष, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे टॉलेस्ट है मनीष, सबसे जो है छोटा कौन है आपका, नमिता, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
देखिए क्वेश्चन आपका फोर्थ, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट फोर सेवंथ एंड इलेवंथ लेटर्स इन एस यू पी ई आर एफ एल यू ओ यू एस, देन राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, अदरवाइज मार्क एक्स एज द आंसर। यदि एस यू पी ई आर एफ एल यू ओ यू एस में पहले, चौथे, सातवें और ग्यारहवें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए, अन्यथा यक्ष को उत्तर के रूप में चिन्हित करें। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से, ठीक है ना, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको करना है। आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको एक वर्ड दिया गया है एस यू एस यू पी ई आर पी ई आर, ठीक है ना, पी ई आर एफ एल ओ यू, इसको और नीचे लिख लेता है। एक वर्ड दिया गया आपको जो है एस यू पी ई आर पी ई आर एफ एल यू ओ यू एस, ठीक है। अब इसकी जरा नंबरिंग कर लेते हैं, देखो ये वन ये टू, ये इसका अल्फाबेट, ये देखो एक वर्ड है लेकिन इसमें कौन कौन सा हमें अल्फाबेट लेना है, किस किस नंबर का ये बताया गया है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये इसकी इसकी प्लेस वैल्यू नहीं है, ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं, ये एक इसका जो है क्या है, क्रम है, एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये अल्फाबेट लिखे हैं। जैसे फर्स्ट पे आपका कौन है, यस है, सेकंड पे यू, ये थ्री पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये टेन और ये इलेवन। अब देखिए कौन कौन से आपको अल्फाबेट लेने हैं, किस किस नंबर के। सबसे पहले पहला लेना है अर्थात यस लेना है, फिर दूसरा कौन सा लेना है, चौथे नंबर का लेना है अर्थात ई लेना है, ठीक है ना, फिर कौन सा लेना है, सेवंथ नंबर का अर्थात एल लेना है, फिर आपको लेना है इलेवंथ नंबर का अर्थात यहाँ पे एस ले लेना है। ये चार आपने अल्फाबेट ले लिए इस वर्ड से। अब आपको बताना है कि इनसे मिलकर के कोई मीनिंगफुल वर्ड अगर बन सकता है तो उसका जो है फर्स्ट लेटर आंसर दीजिए, अगर नहीं बन सकता तो आंसर एक्स दीजिए। तो आपने कहा कि अगर इन चारों में हम देखें तो कौन सा वर्ड बन सकता है भाई, एस ई एल एस को मिला के आपने कहा एक वर्ड बन सकता है, लेस, एल ई डबल एस बन सकता है, क्या बन सकता है, एल ई डबल एस, ठीक है ना, लेस बन सकता है। आप कहेंगे सर सेल बन सकता है, एस ई डबल एल, क्या यहां पर दो एल है क्या, इन चारों वर्डों को मिला के बनाना है, इन चारों वर्डों को मिला के, चारों अल्फाबेट को मिला के बनाना है एक वर्ड, ठीक है ना। तो क्या यहां पर एल दो बार है क्या, और अगर एल दो बार हो भाई, यहां पे अगर हम बात करें एस ई डबल एल की तो यस तो एक ही बार प्रयोग होगा इसलिए वो नहीं बन सकता, क्या बन सकता है, लेस बन सकता है, एल ई डबल एस। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, इसका फर्स्ट लेटर हो जाएगा एल, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका जो है कि इन पैराडाइज हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर देयर विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। पैराडाइज में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, नन, थ्री, फोर या टू। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेयर पेयर से, आपको पेयर बनाने के लिए कहा गया है कि भाई पैराडाइज में कितने पेयर बनेंगे आपको बताना है। तो देखो पेयर बनाने के लिए कुछ उसके वसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके जिन नियमों के आधार पर जो है हम जो भी वर्ड दिया जाता है उसके बीच जो है पेयर को काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखो जरा, सबसे पहले हम पैराडाइज को यहाँ पर लिख लेते हैं, कौन सा वर्ड दिया गया है, पैराडाइज, तो आपने कहा यहाँ पे लिख लिया पी ए आर पी ए आर, ठीक है ना, पी ए आर ए डी आई एस ई, पैराडाइज।
अब दूसरा काम क्या है, इनके जरा कोड को लिख लीजिए, इनकी जो प्लेस वैल्यू है मैंने आपको बताया था कि A1, B2, C3, D4, ठीक है ना, फिर आपका जो है E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो सबके जरा कोड लिखिए, ये 16 है, ये 1 है, ये 18 है, ये आपका 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये आपका 19 है, ये आपका 5 है। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच उतने ही अल्फाबेट होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जो होते हैं वो जरूरी कि वही हों लेकिन उतने अल्फाबेट होने चाहिए। अब सबसे ये तो दो पॉइंट क्लियर हो गए, इस प्रकार से लिखना है, उसके कोड लिखना है और उनके बीच उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है ना, इसके मीनिंग को भी अभी हम समझेंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखिए, इसे यहां पर 16 लिखा है, 16 से ही अब आपको क्या करना है कि 16 लिखा है तो 16 से ही काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और काउंटिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, अर्थात 16 से काउंटिंग आपको 26 तक करनी है, ठीक है ना, 26 से आगे आपको नहीं बढ़ना। जैसे अगर मैं बात करूं कि जेड का ए से पेयर नहीं बनेगा, जेड का ए से पेयर नहीं बनेगा, ए का जेड से बनेगा, अर्थात हमेशा जो हम चलते हैं वो हमेशा ए टू जेड ही चलते हैं, बस इसमें जेड टू ए नहीं आया जाता, क्लियर है, हमेशा पेयर जो है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, अर्थात ए से जेड की तरफ ही हमेशा चलेंगे, जेड से ए कभी नहीं जाएंगे। आपको जो बीच में अल्फाबेट आएगा उसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ काउंट करना है और वो भी आप किस में काउंट करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते क्रम में। कैसे, जरा देखो यहां पे 16 लिखा है, अब जरा इसका भी मीनिंग अभी आपको समझ में आ जाएगा कि उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे यहां पे देखो 16 लिखा है, अब 16 से आपको पता है कि जो पेयर बनेगा ना वो 16 से अगर इधर बड़ा है तो ही पेयर बनेगा, क्योंकि 16, 17, 18, 19 कहां तक काउंट करना है, 26 तक, तो हमेशा उससे जो बड़ा होगा उसी के साथ उसका पेयर बनेगा, उससे छोटे से उसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा जो है काउंटिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है, अर्थात हमेशा ए टू जेड करनी है, ठीक है। अब जरा देखो 16 से काउंटिंग करते हैं, तो आपने कहा 16, 17, 18, देखो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया किसका, पी आर का, एक पेयर बन गया आपका पी आर का। अब देखो एक चीज जरा समझो, उनके बीच उतने ही अल्फाबेट हैं, उतने ही लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं, तो आप बताओ पी और आर के बीच एक अल्फाबेट होता है, क्यों, तो यहां पर देखो ए रखा है, एक अल्फाबेट है ना, तो जरूरी नहीं कि वही हो लेकिन ये जरूरी कि उतने होने चाहिए, तभी तो देखो आपने जब काउंटिंग किया तो यहां पे 16 से काउंटिंग किया 17, 18, देखो यहां पे आपके मुंह से 18 निकला, यहां पे 18 रखा था, और जरा अभी देखो 19 तक पहुंचना है, जरा और आगे काउंट करो, 18 के बाद देखो यहां पे 19 आएगा, यहां पे 19 आएगा काउंटिंग में, यहां पे 19 तो नहीं लिखा, ठीक है ना। अब बताओ क्या 19 से बड़ा इधर है, क्या 19 से बड़ा इधर कोई भी आपका नंबर आपको दिख रहा है, नहीं है ना भाई, 19 है तो वहां तक हम पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि 19 तो यहीं पर आ गया। अब 19 क्या कैसे आप काउंट करोगे, ऐसे 19, 20, 21, 22, 23, तो जब 19 से बड़ा इधर कोई है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए इधर आपको अब काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगर आप काउंट कर रहे हैं देखो, जैसे जो आपके मुंह से जो नंबर निकल रहा है वो वहां पर होना चाहिए, जैसे 18 निकला तो पी और आर का एक पेयर बन गया, एक अल्फा एक लेटर से कई पेयर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बन सकता है, ठीक है। अब जरा आ जाओ सेकेंड पे, अब आ जाओ आप किस पे, वन पे, देखो यहां पे वन है तो वन से काउंटिंग स्टार्ट करो, वन के बाद क्या आएगा 2, 3, 4, देखो यहां पे एक बन गया आपका ए से डी का, एक बन गया ए डी का, किसका बन गया ए डी का, देखो वन के बाद यहां पे 2, 3, 4, ठीक है। अब जरा और काउंट करो, 4 के बाद 5, 6, 7 नहीं बनेगा, 18 पे आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा इसके लेफ्ट में भी काउंट करना तो 1, 2 नहीं बना, 18 पे आ जाओ, 19, 20, अब देखो 19 से बड़ा इधर कोई है ही नहीं, क्योंकि 19 लास्ट में सबसे इधर सबसे बड़ा है, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि 18 के तुरंत बाद 19 आता है।
अब इधर इससे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए इधर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। इधर काउंट करो, इधर 18 से बड़ा है ही नहीं, तो इधर भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। वन पे आ जाओ, वन के बाद देखो 1 2 3 4 5 एक पेयर बन जाएगा आपका इस ए से इस ई का। देखो ना, वन के बाद आपका 2 3 4 5 आपको उसे 5 निकला, यहाँ 5 रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो है एक पेयर बन जाएगा ए ई से, एक पेयर बन जाएगा ए से ई का। इसके जरा लेफ्ट में काउंट करिए, तो वन के 2 3 4 कोई पेयर नहीं बनेगा। फोर पे आ जाओ, 5 6 7 नहीं बनेगा। इसके लेफ्ट में काउंट करिए, फोर के 5 6 7 8 नहीं बनेगा। 9 पे आ जाओ, 10 11 नहीं बनेगा। इधर काउंट करो, 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 19 से बड़ा ना तो उसके राइट में है ना तो उसके लेफ्ट में है, काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जरा आ जाइए 5 पर, 5 से ज़रा काउंट करिए, तो 6 7 8 9 10 11 12 तो कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बने। कितने पेयर बने, 3 पेयर, एक पी आर का, एक ए डी का, एक ए ई का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर समझते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन है आपका जो है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सेम वे एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से 3 एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक कोई ऐसा है जो उनके ग्रुप में नहीं आता, आपको उसी को बताना कि भाई कौन सा है जो उनके ग्रुप से बाहर है। तो यहाँ पर जरा देखो, अब मैंने शुरुआत में आपसे बात कही थी, जैसे ही बात अल्फाबेट की आएगी हमेशा हम बात करेंगे ए टू जेड की, और हम बात करेंगे ए टू जेड के साथ में 1 to 26 की, ठीक है ना। अब देखो ये भी क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, पहले उसकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, किससे है, क्लासिफिकेशन से, अर्थात वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन को हम 3 टाइप में पढ़ते हैं। कितने टाइप में पढ़ते हैं हम, 3 टाइप में पढ़ते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार में पढ़ते हैं। पहला होता है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन, अर्थात शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है आपका नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन अर्थात आपका संख्याओं का वर्गीकरण। और चौथा है आपका अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन अर्थात अक्षरों का वर्गीकरण। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है बात होती है ए टू जेड की, और जैसे ही बात ए टू जेड की आती है बात होती है 1 to 26 की। तो अब जरा देखो यहां पे आप जो है एम के एल, पहला दिया गया है एम, फिर यहां पे देखो के है, और फिर है आपका एल। अगर हम कोड की बात करें तो M13 K11 और L आपका कोड होता है 12। 13 में अगर माइनस का 2 करें तो 11 आ जाएगा, 11 में प्लस का 1 करें तो 12 आ जाएगा। तो जैसे ही आप कोड लिखते हैं सारा का सारा दारोमदार कोड के ऊपर आ जाता है कि भैया आप तुम निर्धारित करो कौन सही कौन गलत। तो यहां पे क्या तरीका लगा, देखो 13 माइनस 2 11, 11 प्लस का 1 तो 12 हो गया। दूसरा कह रहा है FCD, F, फिर है आपका C और फिर है आपका D। F का कोड है 6, C का है 3, D का है 4। तो यहां पे देखो 6 माइनस 3 तो 3, 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब जरा तीसरा चेक कर लो, Z, ये Z है, X है और Y है। क्या है आपका, Z है यहाँ पे, X है यहाँ पे, Y है। तो Z का कोड 26, X का 24 और Y का 25। तो देखो 26 माइनस का 2 तो 24, 24 प्लस का 1 तो आपका 25। लास्ट जरा चेक कर लो, आपने कहा यहाँ पे दिया है P, फिर है आपका R और फिर है आपका Q। तो P है 16, ठीक है ना, नहीं ये RP है, पहले R है बाद में P है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे R है फिर यहाँ पे P है। तो R का कोड 18, P 16 और Q 17। तो यहाँ पे जगह को माइनस का 2, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। तो अब देखें अगर आप यहाँ पर, तो जैसे ही आपने उसके कोड लिखा सारी की सारी आपको गणित समझ में आ गई, सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ गया।
कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा अलग है। आपने कहा कि यहाँ पर जो अलग है, जो उनके ग्रुप में नहीं आता, वो है आपका FCD, वो है आपका FCD। क्यों? क्योंकि बाकी सब में माइनस का 2 प्लस का 1 हो रहा है, देखो सब में हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस का 3 प्लस का 1 हो रहा है, इसलिए ये इनके ग्रुप से अलग है, ये इनके ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th की जरा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th आपका सीरीज से पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंप्लीट द सीरीज गिवन बिलो, निम्नलिखित में से कौन नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। अब आपको श्रृंखला दी गई है अल्फाबेट की, AMU, CNT, EPR, GSO, देन कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से कौन सा आपका यहां पर क्वेश्चन मार्क जगह आएगा, अब ये आपको बताना है। तो बात हो रही है अल्फाबेट की, ठीक है ना, बात हो रही है अल्फाबेट की। अगर हम टॉपिक की बात करें तो जो टॉपिक है ये है आपका सीरीज टॉपिक। सीरीज हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक आपकी नंबर सीरीज, एक आपकी नंबर सीरीज और एक है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ओके, अल्फाबेट सीरीज में भी एक आपकी कैपिटल लेटर सीरीज और एक आपकी स्मॉल लेटर सीरीज होती है। स्मॉल लेटर सीरीज को हम रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बात कैपिटल लेटर सीरीज की होती है तो हम बात करते हैं A to Z की और हम बात करते हैं 1 to 26 की। तो अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे पहले देखो सीरीज का क्या मतलब है, सीरीज का मतलब एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, एक वहां पे ऑर्डर चलना चाहिए। तो यहां पर देखो जो है ए का रिलेशन किससे देखना है, ए का रिलेशन आपको सी से देखना है, सी का आपको ई से देखना है और ई का आपको जी से देखना है। उसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो आपने कोड लिखा, देखो ए का 1, सी का 3, ई का है आपका 5 और जी का है 7। तो देखो 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 किसका कोड होता है आई का, तो यहां पे आपका आई आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकंड, देखो क्या दिया गया है एम, एम के बाद फिर क्या है आपका एन, एन के बाद नेक्स्ट में क्या है आपका पी, फिर यहां पे क्या है आपका एस, यहां पे क्या आएगा आपको बताना है। देखो जरा, तो आपने कहा M का कोड है 13, N है 14, P है 16, ठीक है ना, और S है 19। देखो जरा 13 + 1 = 14, 14 + 2 आपका 16, 16 + 3 = 19, तो 19 + 4 हो जाएगा 23, तो यहाँ पे W आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, तो आगे कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा। तो अब देखो अल्फाबेट के कोड के माध्यम से कितनी आसानी से आप कर पा रहे हैं। अब देखो अगला, देखो तो यहाँ पे U है, फिर आपका T है, फिर आपका क्या है T के बाद, देखो यहाँ पे R है, फिर इधर आपका O है, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो देखो जरा अगर हम कोड की बात करें तो U का 21, T का 20, R 18 और O 15। तो देखो जरा यहाँ पे माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 4 जब करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और 11 होता है आपका K का कोड। तो क्या सीरीज, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, IWK, आंसर क्या जाएगा IWK। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी बात अल्फाबेट की हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन की बात हो, चाहे वो सीरीज की बात हो, चाहे वो एनालॉगी की बात हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, जहां पर भी आपका अल्फाबेट आएगा, हमेशा आप अल्फाबेट के क्वेश्चनों को उसके कोड के माध्यम से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर निकालते हैं भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट 8th एंड 10th लेटर ऑफ PROPOSITIONING पोजिशनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड लेटर ऑफ दैट वर्ड, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड गिव एक्स एज द आंसर, इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड गिव एम एज द आंसर।
यदि प्रोपोजिशनिंग के पहले आठवें और दसवें अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा, अगर एक बनाना संभव हो तो। और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आंसर एक्स दीजिए, और अगर यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आंसर आप एम दें। अब देखो आपका एम एक्स पी और टी में से क्या आंसर होगा ये आपको देखना है। देखो जरा यहां पे अगर हम देखें तो आपको जो वर्ड दिया गया है प्रोपोजिशनिंग अर्थात पी आर ओ, तो ये क्वेश्चन भी आपका किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका लिया गया है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहां पे आपका दिया गया पी आर ओ पी ओ एस आई टी आई टी आई ओ एन आई एन जी एन आई एन जी, इसीलिए तो मैंने इसको नीचे लिखा ना, कितना बड़ा वर्ड यहां तो आता नहीं, ठीक है ना, इसलिए यहां पर लिख लिया। अब इसकी नंबरिंग कर लीजिए, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था ना कि उसमें अल्फाबेट हमने पूरा वर्ड हमने लिख लिया, फिर हर एक अल्फाबेट को हमने नंबर दे दिया ताकि हमको आसानी रहे यहां से जो जो आपका वो अल्फाबेट लेने के लिए कह रहा है उसको हम आसानी से ले सके। देखो ये वन ये टू ये थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, तो ये इनका कोड नहीं है, ये जो है एक क्रम हमने खुद से इनको दे दिया कि भाई जो जो अल्फाबेट वहां से जो जो जिस नंबर का कहेगा उसको हम आसानी से ले सके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे दिमाग में। अब देखो कौन कौन सा कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट में क्या है आपका, आपने कहा पी है, फर्स्ट ले लिया गया। फिर कौन सा लेना है, फिर आपका जो है एट्थ नंबर का लेना है, एट्थ नंबर में क्या है आपका टी है, टी ले लिया। और कौन सा लेना है, और टेंथ नंबर का ले लीजिए, टेंथ में आपका ओ है। ये तीन आपको लेना है, एक आपका लेना है, एक आपको फर्स्ट लेना है, एट्थ लेना है और टेंथ लेना है, ये तीन अल्फाबेट आपने ले लिया। अब आपको बताना है कि इनसे मिल करके अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका दूसरा अक्षर आंसर दीजिए, जिसका दूसरा अल्फाबेट हो उसका वो आंसर दीजिए। अगर एक से अधिक बनते हैं तो आंसर एक्स, और अगर कोई नहीं बनता तो आंसर एम दे। तो देखो जरा पी टी ओ से क्या वर्ड बन सकता है, तो आपने कहा एक तो बन सकता है टॉप, टी ओ पी बन सकता है, ठीक है ना, एक बन सकता है पॉट, पी ओ टी बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है ना, पॉट बन सकता है, ठीक है, एक क्या बन सकता है, पॉट बन सकता है, ठीक, और एक क्या बन सकता है, एक ओ पी टी बन सकता है, एक ओ पी टी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कितने वर्ड बन गए, तीन, तो एक से अधिक बन गए ना, तो आंसर क्या देंगे एक्स, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, तीन वर्ड बन जाएंगे। टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर, ठीक है, पॉट मतलब क्या होता है, पॉट मतलब हो जाएगा आपका जो है घड़ा, या कह सकते हैं जो फ्लावर रखने वाला जो होता है, ठीक है ना, उसको भी पॉट कहते हैं। और ओपीटी मतलब क्या होता है आपका, चुनना, चूज करना, तो ये तीन वर्ड आपके बन सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपका, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे ब्लड रिलेशन से, किससे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन टॉपिक से। महेश टोल्ड मनीष एस्टरडे आई डिटेक्टेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, होम डिड महेश डिटेक्टेड, महेश ने मनीष से कहा कल मुझे अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई का पता चला, महेश को किसका पता चला, उसके बेटे का, उसके पिता का, उसके भाई का, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो बात होती है जब ब्लड रिलेशन की, ब्लड रिलेशन हमें बहुत टफ टॉपिक लगता है, सर बहुत टफ होता है, नहीं बिल्कुल ये बात गलत है, ब्लड रिलेशन बहुत आसान टॉपिक है। ब्लड रिलेशन जब भी करिए ना तो अपने आप को समझ कर करिए, भाई जो रिलेशन आपका जो है, ब्लड रिलेशन मतलब क्या है, रक्त संबंध, जो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, जो एक रिलेशन हमारा पारिवारिक रिलेशन है उसी को तो हम यहां पर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं या मैं आपकी बात करूं, ठीक है ना, तो यहां पर जिसका भी जो रिलेशन है आपका फैमिली में, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक पैटर्नल में और एक मैटर्नल में।
पैटर्नल में आपके चाचा हैं, चाची हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, दादा हैं, दादी हैं। मैटर्नल में आपके मौसी हैं, मामा हैं, मामी हैं, नाना हैं, नानी हैं। तो यही सब रिश्ते तो वहां पर हमको देखने हैं। अब एक चीज जरा समझिए, अगर मैंने यहां पे एक वर्ड लगा दिया ओनली डॉटर या ओनली सन, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे ये वर्ड कहूं कि मैं अपने पिता का ओनली सन हूं, मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, ओनली सन, तो आपने कहा कि भैया मैं ऐसे कह दो, दोनों बातों में डिफरेंस समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने पिता का ओनली चाइल्ड हूं अर्थात एकमात्र संतान, तो मेरे दूसरा ना तो कोई भाई है ना तो कोई बहन है। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं अपनी पिता की एकमात्र संतान हूं, मैंने भाई और बहन का वहां कोई मेंशन नहीं किया कि मैं उनका पुत्र हूं कि मैं उनकी पुत्री हूं। मैंने कहा ओनली चाइल्ड, एकमात्र संतान। तो देखो जब मैंने कहा एकमात्र संतान तो ना कोई मेरे दूसरा भाई है ना बहन। अगर मैं कह दूं कि मैं अपने पिता का ओनली सन हूं, अगर मैं एक बात कहूं कि मैं अपने पिता का ओनली सन हूं, या मैं कहूं ओनली डॉटर हूं, तो अगर मैं कहूं कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, तो भाई पुत्रियां हो सकती लेकिन दूसरा पुत्र नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि मैं अपने पिता का ओनली डॉटर हूं, तो एक पुत्री एक होगी लेकिन दूसरी पुत्री नहीं होगी, लेकिन पुत्र हो सकते हैं। सारी बातें क्लियर हैं। अब यहां पर जैसे ही बात ये सारे पुत्र पुत्री जिसकी बात होती है, तो सबसे पहले बात होती है रिलेशन में जेंडर की। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं, तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं, ठीक है ना। तो जेंडर की जब बात आती है, आपको लगता है कि यह व्यक्ति मेल है तो आप उसके ऊपर लगा देंगे प्लस, आपको लगता है कि यह फीमेल है तो आप उसके ऊपर लगा देंगे माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक उसके ऊपर न प्लस लगाएंगे न माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे एक बात आती है जनरेशन की, बात आती है जनरेशन की, ठीक है ना, बात होती है पीढ़ी की। जैसे मेरे पिता की बात हो, मेरे दादा की, मेरे जो है ग्रैंडफादर की बात हो, मेरे ग्रैंड मदर की बात हो, मेरे माँ की बात हो, ठीक है ना। तो एक है आपका जनरेशन में इक्वल जनरेशन, इक्वल जनरेशन, और एक है आपका जनरेशन गैप। जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे भाई की बात हो, मेरे बहन की बात हो, चाहे मुझसे छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो, ठीक है ना, चाहे मेरे कजिन हो सारे, ठीक है ना, ये सारे इक्वल जनरेशन में आएंगे। और इक्वल जनरेशन को हम डिनोट करते हैं जो है हॉरिजेंटल लाइन से, और जनरेशन गैप को हम डिनोट करते हैं जो है वर्टिकल लाइन से। भाई जैसे मेरे माँ की बात है तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, मेरे जो है ग्रैंडफादर की बात है तो मुझसे एक जनरेशन दो जनरेशन ऊपर है, लेकिन अगर मेरे ब्रदर की बात होगी, मेरे सिस्टर की बात होगी, तो हम एक जनरेशन के हैं। मेरे सन की बात होगी मुझसे एक जनरेशन नीचे है, मेरे नीस की बात होगी मुझसे एक जनरेशन नीचे है, क्लियर है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो है एक रिश्ता होता है आपका जो है ब्लड रिलेशन में पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन। इस रिलेशन में यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है, दूसरे का अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन हो तो दूसरे का आप कर सकते हैं, लेकिन इस रिलेशन में यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का अपने आप कर सकते हैं। मैं कह दूं कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो आप कहेंगे बी इज वाइफ ऑफ ए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम डबल लाइन के द्वारा जो है दर्शाते हैं, क्लियर है। सारे इंस्ट्रूमेंट हमें मिल गए, ठीक है ना, फिगर बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है अगर पढ़ करके आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहा तो फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के लिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे, जरा उसको देखिए भाई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन जरा फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कि महेश टोल्ड मनीष, महेश ने मनीष से कहा, ये महेश जी हैं, ये महेश हैं, ये महेश हैं, और महेश किससे कह रहा है, मनीष। महेश कह किससे रहा है, तो आपने कहा मनीष, ठीक है ना। महेश कह किससे रहा है, यहाँ पे चलो ठीक है, महेश कह रहा है आपका मनीष से। क्या कह रहा है जा देखिए, आई डिटेक्टेड द ओनली ब्रदर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ओनली लगा है, ओनली वर्ड लगा है, ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। कल मुझे अपनी दादी, अच्छा दादी कौन हुई, अपनी दादी की इकलौती, अपनी दादी की बेटी, तो
तो अब देखो उसने कहा अपनी दादी, मतलब महेश खुद के लिए बता रहा है। महेश मनीष से क्या कह रहा है? महेश मनीष से कह रहा है कि कल जो है मुझे अपनी दादी, दादी कौन होगी? तो महेश के जो फादर हैं उनकी जो माँ हैं ये होंगी जो है महेश की क्या ग्रैंड मदर। ये कौन है महेश की? तो आपने कहा ये है ग्रैंड मदर, ठीक है ना, ये है ग्रैंड मदर महेश की। तो कह रहा है कि मुझे कल मुझे जो है अपनी दादी की बेटी, अपनी दादी की बेटी। तो देखो यहाँ पर बेटी मतलब हो गया जो है जो उनके पिता हैं उनकी जो सिस्टर है, ठीक है ना, उनकी जो सिस्टर, यही तो इनकी डॉटर हुई, ये इनकी जो है डॉटर हुई, ठीक है, डॉटर हुई, और यह जो है इसके पिता की सिस्टर हुई, इसके पिता की सिस्टर हुई, अर्थात ये महेश की क्या लगेगी? महेश की बुआ लगेगी, ठीक है ना। तो बेटी के इकलौते भाई का पता चला। अब देखो ध्यान से समझना बात को, इकलौते भाई, ठीक है ना, मेरी दादी के बेटी के इकलौते भाई कौन हुए? इकलौते भाई कौन हुए? स्वयं महेश के पिता, स्वयं महेश के पिता। भाई महेश की लिए जो है जो ये है जो उसकी दादी की जो ये बेटी है वो महेश की क्या है? बुआ है, अर्थात आंटी है। और उसके इकलौते भाई मतलब इन दोनों के बीच सिस्टर ब्रदर का रिश्ता था ना, तो ये जो है इसका इकलौता भाई यही तो हुआ, यही तो इकलौता भाई हुआ, अर्थात जो महेश के पिता हैं वही तो उसके जो है बुआ के इकलौते भाई, क्योंकि वहां पे ओनली वर्ड लग गया, ओनली ब्रदर, दूसरा भाई है ही नहीं, ठीक है ना, अर्थात महेश के अंकल नहीं, महेश के चाचा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ओनली ब्रदर कौन हुआ? स्वयं महेश के पिता। तो महेश को किसका पता चला? उसके पिता का पता चला। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है ब्लड रिलेशन से। किससे पूछा गया है? ब्लड रिलेशन से, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन आमिर शाह मोनू ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर, व्हाट इज मोनू टू आमिर। जब आमिर ने मोनू को देखा तो उसे याद आया वो मेरी बेटी की माँ के पिता का बेटा है, आमिर के लिए मोनू क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, कजिन है कि अंकल है? देखो जरा भाई, तो यहां पर देखो आमिर ने किसको देखा? मोनू को। आमिर ने देखा मोनू को, ये हो गया आमिर, ये हो गया आमिर, और आमिर देख रहा है मोनू को। आमिर ने किसको देखा? तो आपने कहा आमिर ने देखा मोनू को, ठीक है ना, ये है आमिर जी, ये है आमिर। क्या कह रहा है आमिर? जब आमिर ने मोनू को देखा तो उसको क्या याद आया? ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ द मदर ऑफ माई डॉटर, वह जो है मेरी बेटी, किसकी बेटी? आमिर की बेटी। ये हो गई आमिर की बेटी, ठीक है ना। आमिर की बेटी की मां कौन हुई? आमिर की बेटी की मां कौन हुई? आमिर की पत्नी। ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये जो है आमिर की बेटी की मां है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आमिर क्या हो जाएगा? उसका पिता हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, ठीक है। वह जो है जो मोनू है वो मेरी बेटी की माँ अर्थात आमिर की पत्नी के पिता मतलब इसके फादर इन लॉ, ठीक है ना। आमिर के क्या लगे? वो फादर इन लॉ, और चूंकि भाई उसकी पत्नी के पिता है तो उसके फादर इन लॉ लगेंगे। उनका ये कौन है? उनका ये जो है, ये जो है क्या है? सन है, ठीक है ना। उनका ये सन है, ये उनका क्या है? सन है। तो देखो जरा इन दोनों के बीच किसका रिलेशन है? मोनू और आमिर की जो वाइफ है इन दोनों के बीच ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, इन दोनों के बीच ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। जो आमिर की पत्नी है वह मोनू की सिस्टर लगेगी। तो अब देखो क्या कह रहा है कि आमिर के लिए मोनू क्या है? मोनू का रिलेशन आमिर से पूछ रहा है, तो मोनू जो है आमिर का ब्रदर इन लॉ लगेगा। मोनू जो है आमिर का क्या लगेगा? तो आपने कहा ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ लगेगा। ब्रदर इन लॉ जो है बहनों के लिए भी यूज होता है और साले के लिए भी यूज होता है,
यहाँ पे बहनोई नहीं आएगा, यहाँ पे साला आएगा, जीजा सा लेगा रिश्ता, ठीक है ना, क्या आएगा साला, ठीक है ना। तो भाई आमिर का अगर मोनू से पूछता तो बहनोई का रिश्ता आता, लेकिन मोनू का पूछ रहा है आमिर से तो क्या जाएगा आपका जो है ब्रदर इन लॉ मतलब साले का रिश्ता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका जो है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन नंबर सिक्वेंस विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या अनुक्रम से संबंधित नहीं है, जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। यहाँ पे देखिए आपको एक नंबर पैटर्न दिया गया है, आप बताना इसमें से कौन सा अलग है, ठीक है ना। 11, 17, 19, 39, 41 इसमें से कौन सा अलग है, 41 अलग है कि 17 अलग है कि 39 अलग है कि 19 अलग है। अब एक चीज तो क्लियर, जो जो ऑप्शन में दिया गया उन्हीं में से कोई एक अलग है, 11 अलग नहीं है, ठीक है ना, और बाकी आपके चार ऑप्शन दिए गए 17, 19, 39, 41 इनमें से कौन सा अलग है ये आपको देखना है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये सीरीज टाइप में भी आपसे क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी सर ये तो सीरीज दी गई है, यहां पे क्लासिफिकेशन पूछ लिया गया, तो सीरीज में भी आपसे क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। देखो कैसे, अब यहां पे अगर आप देखें तो 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 41 हो गया, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं, ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर की डिफिनेशन आपको पता ही है, अभाज्य संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक वन और एक इट सेल्फ अर्थात स्वयं वह संख्या, जैसे 11 है केवल दो फैक्टर वन और 11, 17 के भी, 19 के भी, 41 के भी, लेकिन 39 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर एक भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या होती है, जिसके आपके दो से अधिक आपके क्या हो फैक्टर हो, देखो इसका आपका वन भी है, थ्री भी है, 13 भी है और स्वयं 39 तो है ही, तो मोर देन टू फैक्टर दैट इज कंपोजिट नंबर, ओनली टू फैक्टर दैट इज प्राइम नंबर, ओके। तो यहां पे ये चारों आपके प्राइम नंबर, 39 आपका कंपोजिट नंबर है, इसलिए 39 इनके इस पैटर्न में नहीं आता, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द गिवन नंबर सिक्वेंस विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वह संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या अनुक्रम से संबंधित नहीं है, जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। अब यहां पर भी देखो आपको अलग बताना है इनमें से, इस जो ये पैटर्न दिया गया है इसमें अलग कौन सा है, 14 है, 49 है, 56 है, 33 है, 63 है, तो कौन सा अलग है, 49 अलग है कि 14 अलग है कि 33 अलग है कि 56 अलग है। तो यहां पे अगर हम देखें तो देखो जो है 14, 49, 56 और 63 ये सभी आपके 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना, किससे, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन 33 7 से डिवाइड नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं, ठीक है ना, 7 से डिवाइड नहीं, बताओ है, आप टेबल पढ़ के देखो, 7 के टेबल में आपका 33 नहीं आता, इसीलिए जो है आपका 33 इनके ग्रुप से अलग है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने आज जो है फर्स्ट पार्ट में 14th टेस्ट के प्रैक्टिस टेस्ट के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।